पीएमसी हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट्स के लिए बेल बटन दबाएं। ध्यान योग की बात करें तो कहा जाता है कि जो व्यक्ति हर हाल में खुश रहता है वही सही अर्थों में आध्यात्मिक है। भक्ति योग की बात करें तो कहा जाता है कि हर हाल में प्रसन्न रहना ही ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। कर्म योग की बात करें भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा है, कर्म इस तरीके से करो, इस लहजे से करो, इस अंदाज से करो कि कर्म ही खूबसूरत बन जाए, वही खुशियों का आपका एक स्रोत बन जाए और आपको फल की जरा भी चिंता ना रहे। यानी कि ध्यान योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, किसी योग की बात करें, बात खुशियों पे आकर टिकती है। प्रातः स्मरणीय है अनंत श्री विभूषित ब्रह्मश्री सुभाषपत्री जी पूरे विश्व में भ्रमण करते हुए जिस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं वो एक आध्यात्मिक आंदोलन है। उस आंदोलन के तीन केंद्र हैं जिनके आसपास वो आंदोलन घूमता है। सबसे पहला पिरामिड जगत की स्थापना, दूसरा ध्यान जगत की स्थापना और तीसरा शाकाहार जगत की स्थापना। तीनों को अगर हम मिला दें तो आध्यात्मिक जगत की स्थापना ऐसा हम कह सकते हैं। और तीनों का ताल्लुक, तीनों का गहरा संबंध हमारी खुशियों से है। तीनों का मकसद यही है कि हमारी जिंदगी को खुशियों से लबरेज कर दें, आनंद से परिपूर्ण कर दें। हर व्यक्ति हर हाल में खुश रहना चाहता है, प्रसन्नता चाहता है, दुख कोई भी नहीं चाहता। हम हर हाल में खुशियां क्यों चाहते हैं इसके पीछे एक विज्ञान है जिसकी चर्चा आज हम करेंगे। बड़ा ही संजीदा विषय है, मैं चाहूंगा कि आप अपनी पूरी तवज्जो इस बात को दें, इससे आपको खुशियों का वैज्ञानिक आधार समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने कहा कि तीन जो पत्री जी के जो तीन जो केंद्र बिंदु हैं उनके आंदोलन के, उसमें से जो पहला है पिरामिड जगत की स्थापना, उसके बारे में मेरे आदरणीय भाई श्री जी ने आपको बहुत ही विस्तार से और उनका वो उनकी मास्टरी है उस विषय के ऊपर बता चुके, तो उसको मैं बिल्कुल भी टच नहीं करूंगा। मेरा मुख्य चर्चा का जो रहेगा केंद्र वो रहेगा ध्यान जगत की स्थापना और शाकाहार जगत की स्थापना। उसके अलावा अगर समय मिला तो कुछ और भी ऐसे सूत्र हैं जो आपकी जिंदगियों को खुशियों से लबरेज कर सकते हैं, उसकी चर्चा भी हम डेफिनेटली करेंगे। एक कुदरत का नियम है कि कोई भी जो तत्व है, कोई भी तत्व जो है इस सृष्टि के अंदर, वो अपने स्रोत की ओर जाना चाहता है। कोई भी अंश अपने अंशी की तरफ आकर्षित होता है, उसमें मिल जाना चाहता है। आज की लपटें हमेशा आकाश की तरफ उठती हैं, वो सूरज, क्योंकि उनका जो स्रोत है अग्नि तत्व का वो सूरज है, तो वो सूरज की तरफ लपटें उठती हैं, वो सूरज से मिलना चाहती हैं, सूरज से मिलने के लिए वो तत्पर रहती है, इसलिए अग्नि की लपटें हमेशा आसमान के ऊपर उठती हैं। पानी ऊपर से नीचे की ओर बहता है, पानी की एक एक बूंद समुद्र में जाकर मिल जाना चाहती है, उसकी उत्पत्ति समुद्र से हुई है। वाष्पीकरण से बादल बनते हैं, फिर कहीं जाके वर्षा होती है और पानी फिर से वापस समुद्र में मिलने के लिए लालियत रहता है। किसी ठोस वस्तु की बात करें, उसको हम ऊपर फेंकते वो नीचे जमीन की तरफ वापस जाती है,
मिट्टी से बनी है, मिट्टी में मिल जाना चाहती है, क्योंकि तो उसका जो स्रोत है जहां से वो पैदा हुई वो मिट्टी है। इसका मतलब हर एक तत्व अपने मूल स्रोत के साथ, अपने सोर्स के साथ मिल जाना चाहता है। ये बात आपको समझ में आ गई? अब प्रश्न ये उठता है कि मैं आपसे पूछता हूं कि इंसान के जीवन की ऐसी कौन सी इच्छाएं हैं जो इंसान, हर एक व्यक्ति, हर मानव अपने जीवन में क्या चाहता है? ऐसी कौन सी इच्छाएं हैं, ऐसी कौन सी जो तमन्नाएं हैं जो इंसान के अंदर चलती रहती हैं? वो मूल रूप से तीन चीजें हैं जिनकी मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले, कोई व्यक्ति मरना नहीं चाहता, अमर हो जाना चाहता है। कोई भी व्यक्ति, बच्चा, जवान, बूढ़ा, बीमार, 110 साल के व्यक्ति से भी हमने पूछा वृद्धाश्रम में, बीमार था, कहता मैं जिंदा रहना चाहता हूं। हर व्यक्ति अमर हो जाना चाहता है, मरना नहीं चाहता। ये हर एक इंसान की इच्छा है, पहली बात। दूसरी बात, हर इंसान ज्ञान चाहता है, अपने बारे में, अपने आसपास के बारे में, पूरी सृष्टि के बारे में जान लेना चाहता है। और तीसरी बात, हर इंसान आनंद चाहता है, खुशियां चाहता है। ये तीन इच्छाएं इंसानी जीवन का केंद्र है। आप मेरी बात से सहमत है? इसके अलावा कोई चौथी इच्छा नहीं है। रोटी, कपड़ा और मकान तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, लेकिन सदियों से ये इच्छाएं इंसान के जीवन में थी, हैं और आने वाले अनंत काल तक बनी रहेंगी। अब जिस सर्वात्मा की बात हम करते हैं, परमात्मा की बात हम करते हैं, यूनिवर्स की बात करते हैं, उसको वेदों ने एक और बहुत खूबसूरत नाम दिया है, सच्चिदानंद। सत प्लस चित्त प्लस आनंद इक्वल टू सच्चिदानंद, यानी कि उस निर्गुण ब्रह्म के तीन गुण हैं। सबसे पहला गुण सत, जो पहले भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। नानक जी ने कहा है कि आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। और भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, नैनम छिन्नति शस्त्राणि, नैनम दहति पापक। वो जो सर्वात्मा है, वो पहले भी था, आज भी है, हमेशा रहेगा, और हम उसके अंश हैं। और प्रकृति का नियम है कि हर अंश अपने अंशी की ओर जाना चाहता है, उस स्वभाव में जीना चाहता है। इसलिए हम कभी मरना नहीं चाहते, क्योंकि हम अमर की संतान हैं, हम अमर रहना चाहते हैं हमेशा। दूसरा जो उस निर्गुण का जो गुण है, वो है चित्त। चित्त चेतन, चैतन्य, ज्ञान स्वरूप, वो ज्ञान स्वरूप है। दुनिया के सारे ज्ञान उसी से पैदा होते हैं, उसी में समाहित हो जाते हैं। हर व्यक्ति, दो तरह के लोग हैं या तीन तरह के लोग हैं, या तो भोगी हैं या फिर योगी हैं इस दुनिया में। भोगी भोग का ज्ञान चाहते हैं, किस किस चीज का भोग किया जा सकता है और भोग करने के क्या क्या नए नए तरीके रोज ईजाद हो रहे हैं आपके सामने। भोगी भोग के बारे में जानना चाहता है, योगी, आप सब योगी हैं, आप योग के बारे में जानना चाहते हैं। हर व्यक्ति ज्ञान चाहता है। जो कर्म आप करने जा रहे हो, अगर आपको उस कर्म की पूरी जानकारी होगी तभी आप वो कर्म कर पाएंगे, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। मायने, हर एक व्यक्ति ज्ञान चाहता है, क्योंकि उस ज्ञान स्वरूप का वो अंश है। तीसरी बात रही आनंद की, खुशियों की। हर एक व्यक्ति खुश रहना चाहता है, आनंद चाहता है। छोटा बड़ा, स्त्री पुरुष, हर एक व्यक्ति जिंदगी में आनंद चाहता है। जो भी हम कर्म कर रहे हैं, हम आनंद के लिए कर रहे हैं। भोगी भोग कर रहा है आनंद के लिए, योगी योग कर रहा है आनंद के लिए। जितने भी कर्म होते हैं उसके पीछे आनंद की आकांक्षा होती है, आनंद की इच्छा होती है। अब ये देखिए कि एक चोर अगर चोरी कर रहा है, डाकू अगर डाका मार रहा है,
उसकी इच्छा भी यही है कि उसके जो पैसा उसको मिलेगा, लूट का माल जो मिलेगा, उससे वो अपनी जिंदगी में खुशियां लाना चाहता है। और जो नशा कर रहा है कोई व्यक्ति, उसको भी यही भ्रम है कि इस नशे से मेरे को आनंद मिलेगा। यानी कि हर एक जो कर्म है, हर जो हमारी क्रिया, उसके पीछे आनंद की आकांक्षा है। ये बात दीगर है कि वो गलत रास्ते पर चलते आनंद से और दूर जा रहा है। इसीलिए तुम कहते हैं कि दोस्ती फूल से करोगे तो महक जाओगे, दोस्ती शराब से करोगे तो बहक जाओगे, दोस्ती सावन से करोगे तो भीग जाओगे, परिंदों से करोगे तो गीत गाओगे, सावन से करोगे तो राग गाओगे, और सांसों से करोगे तो जाग जाओगे। सांसों के साथ दोस्ती का मतलब जो सर कहते हैं, सीधा सा मतलब है कि ध्यान के साथ मिलिए। जब आप ध्यान करते हैं तो आप अपने शारीरिक स्तर से मानसिक स्तर तक, मानसिक से बौद्धिक, बौद्धिक से आध्यात्मिक स्तर तक पहुंचते हैं। अन्नमय कोष से मनोमय कोष, प्राणमय कोष, अनन्नमय कोष, और उसके ऊपर तुरिया अवस्था है। तुरिया अवस्था है, तुरिया कोई व्यक्ति नहीं है, परमात्मा व्यक्ति नहीं है, वो अवस्था है, एक स्टेट है जो हम अचीव कर सकते हैं ध्यान के माध्यम से। और वो जो तुरिया अवस्था है, परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं, जब आप वहां पहुंचेंगे तो उससे आपका कोई साक्षात्कार होगा, नो, ये एक अवस्था है, उस स्टेट तक आप पहुंचेंगे। और वो जो स्टेट है वो सत्य है, वो चित्त है, वो आनंद है। यानी आपकी जिंदगी में खुशियों का जो भंडार है वो आपके भीतर ही खुल जाएगा। जंगल में रहो या बस्ती में, लहरों में रहो या कश्ती में, महंगी में रहो या सस्ती में, पर रहो ध्यान की मस्ती में। जो रहते हैं ध्यान की मस्ती में, चार चांद लग जाते हैं उनकी हस्ती में। और इसीलिए जो मैंने कहा कि पूज्य पत्नी सर जो आंदोलन चला रहे हैं, वो खुशियों का आंदोलन है, उसके पीछे खुशियों का विज्ञान है। जो हम समझ जाएंगे तो जिंदगी बहुत ही आसान हो जाएगी, एक उत्सव हो जाएगी। हम ध्यान को अपने जीवन का अंग बना लें, ध्यान को कल पे नहीं डालना, ध्यान आज से और अभी से करना है। कल जो फुर्सत ना मिली तो क्या करोगे, इतनी मोहलत ना मिली तो क्या करोगे। रोज कहते हैं कि ध्यान कल करेंगे, अरे आज ही कल ना मिली तो क्या करोगे। हमें अपने जीवन का एक एक पल इस आंदोलन को सार्थक करने में लगाना चाहिए। मैं पहले सिर्फ ध्यान जगत की बात कर रहा हूं। अभी वक्त की सेज से हर लम्हा अब चुराया जाए, वक्त की गोद से हर लम्हा चुराया जाए, एक नई तर्ज पे इस दुनिया को चलाया जाए। अब तो मजहब एक ऐसा भी लाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, शजर मोहब्बत का ऐसा लगाया जाए जिसका हमसाये के आंगन में भी साया जाए, और जिसकी खुशबू से महक उठे पड़ोसी का भी घर, फूल इस किस्म का हर सिमत खिलाया जाए। मेरे दुख दर्द का असर हो तुझ पे कुछ ऐसा कि नैन हो भूखा तो तुझसे भी ना खाया जाए, जिसम दो होकर भी दिल एक हो अपने ऐसे कि मेरा आंसू तेरी पलकों से उठाया जाए। जिन चिरागों को हवाओं का खौफ नहीं, उन चिरागों को हवाओं से बचाया जाए। घर से दूर है मस्जिद तो चलो यूं कर ले, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। अपना गम लेके अब मैं खाने में ना जाया जाए, ध्यान में उतरा जाए, आनंद को पाया जाए। ध्यान का परचम हर घर पर फहराया जाए, ज्ञान का दीप हर देहरी पर जलाया जाए। ये वास्तविक रूप में है पत्री सर का जो ध्यान जगत की जो उनकी संकल्पना है। ध्यान जगत आपकी जिंदगी में, पूरे समूचे विश्व की जिंदगी में खुशियों के भंडार खोल देगा। अब दूसरी बात करूंगा मैं शाकाहार जगत की। शाकाहार जगत का खुशियों से सीधा ताल्लुक है, सीधा। इसमें भी हम एक
प्रकृति के एक नियम की चर्चा करेंगे। प्रकृति का नियम है कि जो आप देते हो वो कई गुना करके आपको वापस लौटा देती है। आप एक बीज आप रोपते हो, उस बीज से पौधा पैदा होता है, पौधे से वृक्ष बनता है और उस वृक्ष में लाखों बीज होते हैं, करोड़ों बीज होते हैं। आप कहीं पानी के लिए बोर करते हैं, कुआं खोदते हैं, कहीं हैंडपंप लगाना चाहते हैं, आप एक बाल्टी दो बाल्टी पानी डालते हैं, उससे पूरी जिंदगी पानी लेते हैं आप। यानी प्रकृति को जो आप देते हो वो आपको कई गुना करके वापस लौटाती है। जिंदगी में सीधा सा नियम है, जो आप पाना चाहते हो वो देना शुरू कर दो। जो आप प्रकृति को दोगे आपको कई गुना करके वापस लौटाएगी। खुशियां चाहते हो खुशियां बांटनी शुरू कर दो, दुख चाहते हो तो दुख बांटनी शुरू कर दो। ये इसी नियम के तहत ये पूरी दुनिया चलती है, पूरी सृष्टि चलती है। अब बोगे बबूल तो राहों में उगेंगे कांटे ही, बोगे बबूल तो राहों में उगेंगे कांटे ही, खुशबू का बाग लगाओ तो कुछ बात बने, ध्यान का चिराग जलाओ तो कुछ बात बने। मैं इस बात का ताल्लुक शाकाहार से अभी कर रहा हूं। जब हम अभी जो वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ नेचर है, उनके जो वैज्ञानिक है, उन्होंने 40 साल का पिछला डाटा निकाला। उन्होंने कहा कि 40 सालों में समुद्र में, जमीन पर, नदियों में रहने वाले जीवों की संख्या बहुत कम हुई है, क्योंकि इंसान उसको अपना भोजन मान के बैठा हुआ है और उनको उनका भक्षण कर रहा है, उनको काट के खा रहा है। इकोसिस्टम फेल हो रहा है बहुत बुरी तरीके से, और हम उन मरी जानवरों को काट कर खाए जा रहे हैं। उनके जो घर हैं, जो उनके प्राकृतिक घर हैं, उनको पल्यूट कर रहे हैं, उनको खत्म कर रहे हैं। वो बेचारे रहे तो कहां रहे। हम अपनी परंपरा को भूल चुके हैं, हम दुख दे रहे हैं, दुख बांट रहे हैं, हमारी जिंदगी में दुख कई गुना होकर वापस आ रहा है। अगर हम अपने इतिहास की बात करें तो महाराणा प्रताप जैसे ऐसे लोग हुए जिन्होंने सालों साल जंगलों में रहकर और ये वनस्पति के सहारे उन्होंने कितने बड़े युद्ध लड़े, लेकिन पूरे गौरव के साथ, पूरी हिम्मत के साथ। तो खुशियों के और भी बहुत से सूत्र हैं। अभी तो हमने चर्चा करी ध्यान जगत की और क्या कहा जगत की।